हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक कुमार आज आपको बताऊंगा कि आप पीपीएफ के अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल इजी प्रोसेस में। और उससे पहले अब पीपीएफ अकाउंट आप क्यों ओपन करना चाहिए आपको एंड उसमें क्या बेनिफिट है वो मैं पहले आपको बता देना चाहूंगा। तो पीपीएफ अकाउंट में क्या होता है कि नॉर्मल जो आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रीज़न क्या है कि अगर आप एफडी का रेट चेक करेंगे, एफडी रेट बैंक, ठीक है, तो अगर वो चेक करते हैं आप गूगल पे, तो आपको एफडी का रेट जो मिलेगा वो हार्डली 5.5, 5.6, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। देख सकते हैं आप 5.75% देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एफडी का रेट है। वहीं पे अगर आप पीपीएफ का रेट अगर चेक करते हैं, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट, तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1% है, ठीक है। ये हर एक कहीं पर भी आप करेंगे तो ये रेट आपको मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है पीपीएफ का रेट। तो इस वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और इसमें आपका अमाउंट भी सेफ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीपीएफ में आप किस तरह से इनरोल कर सकते हैं। मैं एसबीआई का बताऊंगा, आप अदर बैंक का भी सेम प्रोसीजर है, सब में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना रिक्वेस्ट इंक्वायरीज में, ये एसबीआई का नेट बैंकिंग पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पीपीएफ अकाउंट ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ज़्यादा लंबा थोड़ा फॉर्म नहीं रहता है क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी पहले से अवेलेबल है बैंक के पास, ठीक है, तो नाम, एड्रेस, सीआईएफ नंबर, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ एक लाइन देख रहे होंगे आप, इफ अकाउंट टू बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर चेक है, यानी कि सपोज मान लीजिए पीपीएफ अकाउंट आप अपने नाम से नहीं खुलना चाहते, आप अपने बच्चे के नाम पे खुलना चाहते हैं या किसी माइनर के नाम पे जो छोटा है 18 साल से कम है उसके नाम पे खुलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, माइनर का नेम डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो अपने बेटी के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं या बेटी के नाम पे खोलना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे अपने बेटी या बेटी का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट डालेंगे, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। बट सपोज मान के चलिए आपको अपने नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोलना है, तो आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी ऊपर में अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना ब्रांच कोड डाल देना है, जो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद आपको गेट ब्रांच नेम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका ब्रांच नेम आ जाएगा। देन आपको नॉमिनी एंटर करना है, नॉमिनी ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको एंटर करना ही है, बट एंटर कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सपोज चलिए यहाँ पे मैं नॉमिनी एंटर कर देता हूँ, नॉमिनी का नाम, उसके बाद सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको नॉमिनी का डाल देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आप नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद कितना परसेंटेज नॉमिनी को मिलेगा, तो मैं चलिए 100% कर देता हूँ, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2-3 नॉमिनी रखेंगे तो उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सिंपल सा प्रोसेस है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद द रेफरेंस नंबर, इतना, प्लीज प्रिंट द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फ्रॉम द टैब, प्रिंट पीपीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड विजिट द ब्रांच विद केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड अ फोटोग्राफ विद इन 30 डेज। प्लीज नोट दैट द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विल बी डिलीटेड आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है ऑनलाइन। अब आपको करना क्या है कि अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स आपको लेने हैं, और ले के आपको ये पीपीएफ का फॉर्म प्रिंट करना है। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये पीपीएफ रेफरेंस नंबर है, कस्टमर नंबर है और पेशेंट डेट है, 1 जून को मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको जो पीपीएफ का फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीपीएफ का फॉर्म किस तरह से होता है। ये आपका पीपीएफ का फॉर्म है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट नहीं एंटर किया गया, ये अमाउंट आपको ब्रांच में फिलअप कर देना है यहाँ पे कि आप मंथली कितना डिडक्ट करवाना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, जो भी आप डिडक्ट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद ये फॉर्म आपको और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और फोटो के साथ आपको ब्रांच में जमा कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक जगह पे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे ब्रांच स्टाफ आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये आपको सेम डे ओपन हो जाता है ब्रांच में, ऐसा नहीं कि आपको 2 या 3 दिन दौड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अप्लाई किया, इसका फॉर्म का प्रिंट आउट आपने लिया, केवाईसी डॉक्यूमेंट का जरूरत आपने लिया, इसके अलावा फोटो आपने लगा दिया, फोटो लगाने के बाद आप ब्रांच में सबमिट करेंगे, सेम डे आपको पीपीएफ अकाउंट का अलग से पासबुक मिल जाएगा, और उस पासबुक को आप रेगुलर टाइम पे अपडेट करा के चेक कर सकते हैं, और रेगुलर इंटरवल पे आप अपना पेमेंट जमा करेंगे। अब पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है, पेमेंट के लिए आपको ये नहीं है कैश डिपॉजिट करना होगा, हर महीने एक फिक्स डेट में ये पेमेंट आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा ACH के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर पीपीएफ का, और अब मैं बताता हूँ पीपीएफ कितने साल के लिए होता है। तो पीपीएफ जो होता है वो 15 साल के लिए फिक्स होता है, 15 साल के पहले आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आप इसमें इनरोल हो गए तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है 15 साल के लिए। हाँ, इसमें लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन वो भी आपको 3 साल के बाद लोन फैसिलिटीज मिलेगी, और जो लोन फैसिलिटीज होता है वो आपको पीपीएफ अमाउंट आपने जितना भी जमा किया है उस टेन्योर के दौरान, तो उसका आपको 70-75% लोन अमाउंट मिलता है, ठीक है।
तो ये सारी डिटेल्स पीपीएफ के बारे में जो मैंने आपको बता दी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।